हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आज मैं आपको इंस्टेंट मेकअप बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपको एक एक स्टेप डिफाइन करके दिखाऊंगी मैंने मेकअप कराया है। अगर आपको कोई और मेकअप का लुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको वो वीडियो जरूर डालूंगी आपको देखने के लिए। और आप इजीली, अगर आप बिगनर्स हो तो भी आप मेकअप कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही इजी स्टेप में आपको मेकअप बताने जा रही हूँ। तो लेट्स गो। हेलो माय लवली फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इंस्टेंट पार्टी वेयर मेकअप, वो भी इजी स्टेप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये मैंने सबसे फर्स्ट अपना मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। इसे लगाने से आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। आप कोई भी मॉइस्चराइजर जिसका मॉइस्चर लेवल अच्छा हो वो लगाएं अपने स्किन पे फाउंडेशन से पहले। इससे क्या होता है, जो आपकी कंप्लेन होती है कि फाउंडेशन मिक्स नहीं हो पाता है, ब्लैंड नहीं हो पाता है, इसमें पैचेस बन जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इससे। आप इसलिए अच्छे से हाइड्रेट करें स्किन को। फिर से अच्छे से ब्लैंड करने के बाद, जब आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है, मॉइस्चर हो जाती है, उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करो। मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन फिटमी का 120 नंबर, सूट्स माय स्किन। आपको अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड यूज़ करना है। इसे डॉट करके अपने स्किन पे आप लगाओ। नेक और ईयर ज़रूर कवर करें, नहीं तो ऐसा लगता है कि आपका नेक अलग दिखता है, फेस अलग दिखता है। तो इसलिए कभी भी आप जब भी मेकअप करते हो तो नेक और ईयर पे ज़रूर लगाएं आप। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। सकते हो फाउंडेशन ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है कि जितनी भी एक्सेस क्वांटिटी होती है वो उसमें आ जाता है आपका। ब्यूटी ब्लेंडर को पहले वेट करना है, उसके बाद इसे ब्लेंड करना होता है। इससे आपको नेचुरल लुक आता है। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं पसंद है, इसलिए मैं बिल्कुल नेचुरल मेकअप यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को हैवी करना है तो मुझे कमेंट्स डालें, तो मैं आपको हैवी मेकअप का भी वीडियो डालूंगी। मैं बहुत सटल मेकअप करती हूँ, पार्टी वेयर मेकअप है फिर भी बहुत सटल है। अब मैं कंसीलर ले रही हूँ, एले गर्ल का प्रो कंसीलर। इसे ट्रायंगल शेप में आईज़ के नीचे अप्लाई करना है। इसे आप हाइलाइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसे नोज़ पे लगाएं, अपने चिन पे लगाएं, क्यूपिड बोन एंड फोरहेड। फिर इसे सेम ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू आप इसे ब्लेंड कर लो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कंसीलर लेते हो तो आपके जो डार्क सर्कल्स जो अंडर आइज़ है उससे शेड बहुत ज़्यादा लाइटर ना ले, नहीं तो आपका क्या होता है कंसर्न और हाईलाइट होता है। उसके लिए आप अपने शेड से मैच करता हुआ ही शेड ले। उसके बाद आप हाइलाइटिंग के लिए लाइटर शेड यूज़ कर सकते हो। अब ये मैंने आईब्रो पेंसिल लिया है आईब्रो डिफाइनिंग के लिए। मैं इंस्टेंट मेकअप कर रही हूँ इसलिए मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। क्या होता है कि आईब्रो पेंसिल आपका बहुत ईजिली आईब्रो डिफाइन करता है। आप चाहे तो पैलेट भी यूज़ कर सकते हो। पैलेट में क्या होता है, शेप देने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने आईब्रो डिफाइन कर लिया है दोनों इक्वली। तो आगे अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना आईज़ मेकअप। तो चलिए आईज़ मेकअप करते हैं। आईज़ मेकअप के लिए मैंने आई पेंसिल यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे इंस्टेंट मेकअप करना है और शेडो में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए आप पेंसिल्स यूज़ करें। पेंसिल अगर आपके पास है कोई भी पेंसिल तो उसे जस्ट इस तरीके से आईज़ पे स्प्रेड करें। उसके बाद आप ब्रश या फिंगर के थ्रू से ब्लेंड कर लें अच्छे से। मैं अभी ये शैम्बोर का स्पार्कलिंग ऑलिव आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत प्यारा शेड है इसका, इसका ग्लिटर इफेक्ट बहुत प्यारा लगता है और पार्टी लुक में बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी वेयर करके देखना इसे, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो इसे मैंने ब्रश के थ्रू ब्लेंड कर लिया है। आप कोई भी आई शेडो यूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। एक्चुअली क्या होता है कि मुझे बहुत जल्दी मेकअप करना था इसलिए मैंने पेंसिल यूज़ करा है। शेडो पैलेट का भी मैं आपको आगे वीडियो डालूंगी, उसमें आपको शेडो पैलेट के साथ दिखाऊंगी मैं आपको। ये पेंसिल है और इसका जो ग्लिटर इफेक्ट है वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर मेकअप में, आपने देखा होगा मेरे अदर वीडियो में भी, मैं मेकअप में ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने सोचा आपको अपने मेकअप का वीडियो दिखाऊँ। तो मैंने अच्छे से दोनों आई स्पेस स्प्रेड कर लिया है, ब्लेंड कर लिया। इसका स्पार्कल बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे। ये अब मैं इसी पेंसिल को लोअर लिड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि नीचे भी कंट्रास्ट आता है शेड का। पे अप्लाई करा है, अब इसे ब्रश के थ्रू स्मज कर लूँगी। आप जब भी आईज़ मेकअप करते हो तो जो आप शेडो लगाते हो उसे नीचे कंट्रास्ट में ज़रूर यूज़ करें, इससे बहुत ही प्यारा लुक आता है फ्रेंड्स। करें अब मैं ये काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ये भी शैम्बोर का ही है। इसे मैं अपर एंड डाउन बोथ यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने काजल अप्लाई करा है वाटर लाइन पे, अच्छे से ब्रॉड से इसे अप्लाई कर ले। फिर इसी को मैं ऊपर वाले अपर लिड पे यूज़ कर रही हूँ। आप लिक्विड लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे बिल्कुल सिंपल और इजी स्टेप मेकअप, जैसा कि मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला है, तो इसलिए मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल क्या होता है, बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू लिक्विड, शेप देने में भी ईजी रहता है। इसके बाद आपके पास जो भी स्मजर हो, काजल स्मजर या ब्रश काजल के पीछे हो या वैसे अलग से, उसके थ्रू आप इसे ब्लेंड कर लो अच्छे से, शेड काजल को भी और ऊपर जो आपने लाइनर लगाया है पेंसिल से उसे भी अच्छे से स्मज करके ब्लेंड कर ले। डन। अब नेक्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना है।
मस्कारा लगाने से क्या होता है कि आपकी जो लेसेस होती है फ्रेम लुक आता है, एक ड्रामेटिक लुक आता है। तो आप फॉल्स लेसेस भी लगा सकते हो, बट मैं फॉल्स लेसेस नहीं यूज़ करती हूँ। तो मैंने अभी यूज़ करा है कलर बार का मस्कारा, ये बिल्कुल फॉल्स लुक देता है लेसेस को। तो जब भी आप मस्कारा लगाते हो पहले आपको डाउन फॉर्मेट यूज़ करना है लेसेस को, डाउन टू अप देन अप टू डाउन। तो इससे क्या होता है आपके दो बोथ साइड लग जाता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंटूर, तो इसके लिए मैंने नायका का पाउडर कंटूर लिया है, पाउडर एंड हाइलाइटर होता है, तो इससे मैं कंटूर करूँगी। कंटूर करने से आपके फेस पे एक शेप आता है, एक कट नज़र आता है, इससे क्या होता है एक बहुत अच्छा शेप नज़र आता है चेहरे पे। इसे आप हल्का सा नोज़ के साइड पे भी लगाएं डार्कर शेड्स को। अगर आपकी फोरहेड ज़्यादा ब्रॉड है तो आप इसे फोरहेड पे भी और जॉलाइन पे भी अप्लाई करें, और फोरहेड पे भी अप्लाई करो आप इसे। डन। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शैम्बोर का लिक्विड लाइट शेयर हाइलाइटर है। इससे क्या होता है स्किन पे एक नेचुरल रेडिएंट लुक आता है। जब आप नाइट पार्टीज़ में जाते हो तो स्किन बहुत अच्छा रिफ्लैक्ट, ग्लॉसी रिफ्लैक्ट करता है। आजकल आपने देखा होगा ग्लॉसी मेकअप बहुत ज़्यादा चल रहा है, ड्राई मैट नहीं चल रहा है। मैंने जैसा कि आपने देखा कि पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है, अभी मैंने लिक्विड हाइलाइटर लिया है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे एक बहुत अच्छा रेडिएंट लुक आएगा। आप लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करो, उसे ब्लेंड करो। आपके पास जो भी लिक्विड हाइलाइटर हो जो ट्रांजी लुक के साथ हो, बहुत ज़्यादा गोल्डन या सिल्वर लुक ना हो। आप देखो मैं, मेरा एक नेचुरल ग्लॉसी लुक आ रहा है स्किन पे। तो फ्रेंड्स अब मैं इस हाइलाइटर को सेट करने के लिए पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, नायका का ही जो कंट्रोल एंड हाइलाइटर पैलेट है उसका हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो मैंने लिक्विड हाइलाइटर लगाया वो सेट हो जाएगा और एक बहुत अच्छा रेडिएंट लुक आता है इससे। तो मैंने हाइलाइट कर लिया, इससे मेरे जितने भी पार्ट्स हैं जो हाइलाइटिंग पार्ट्स होते हैं जैसे नोज़, एप्पल ऑफ द चेक एंड क्यूपिड बोन, चेन, फोरहेड, ये सारे हाइलाइट्स कर चुकी हूँ मैं, अच्छे से सेट कर लिया। लिप्स के ऊपर भी लगाई, इससे लिप्स हल्का सा पाउट नज़र आता है। फिर इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अब बहुत प्यारा सा पिंक कलर का ब्लश ऑन। ब्लश ऑन मैं बहुत नेचुरल लगाती हूँ, आप थोड़ा डार्क कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ब्रिटिश है तो आप थोड़ा डार्क लगाए या कोरल शेड अप्लाई करो। मैं पिंक यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट पिंक है ये, और बहुत ही नेचुरल लुक के साथ मैं यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं पसंद है, मैं बिल्कुल सटल सा एक सॉफ्ट पिंक यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। डन। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा मेकअप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अपने ब्रो लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, उसी हाइलाइटर को मैं अपने ब्रो लाइन पे लगा रही हूँ। डन, मेरा फेस मेकअप प्रॉपर डन हो चुका है। अब मैं यूज़ करूँगी बहुत सा सॉफ्ट सा न्यूड पिंक कलर जो मेरे लिप्स पे बहुत प्यारा लगता है। अगर आपकी स्किन थोड़ी व्हिटिश है तो आप इसमें हल्का सा कोरल टच शेड अप्लाई करो, या आप इसके साथ न्यूड भी अप्लाई कर सकते हो, रेड भी अप्लाई कर सकते हो, कोई सा भी शेड अप्लाई कर सकते हो। मैंने नेचुरल कलर अप्लाई करा है न्यूड, ये भी शैम्बोर का न्यूड क्रियॉन साइप लिपस्टिक है और बहुत प्यारा लगता है। बताओ आप कैसा लगा आपको मेरा मेकअप। तो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप मुझे और भी मेकअप या और भी मेरे पोस्ट देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और मुझे कमेंट्स डालो, मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो ये मेरा कंप्लीट लुक है, तो मैं ऐसे इंस्टेंट रेडी हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।